सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये क्वार्टर इक्वेशन आज के SBI PO प्री के एग्जाम में था, बहुत ही जीता। विद इन 2 मिनट्स 5 तो इजिली कर लोगे अगर आपने मेरा वीडियो देखा, तरीका देखा करने का, तो ठीक है ना। क्या था? कुछ था ही नहीं आज के क्वार्टर इक्वेशन, तो कुछ था ही नहीं। क्या बोले थे? अगर साइन माइनस प्लस हुआ तो मेरा जो आंसर आने वाला है एक्स या वाई का वैल्यू वो क्या होगा? प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस साइन होगा तो माइनस माइनस, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस, अगर माइनस माइनस हुआ तो प्लस माइनस। ये साइन आंसर में आने वाला मेरा एक्स या वाई के आंसर में, इतना तो पता था ना, सिंपल। अब क्या था? 2x² - 7x यही था ना। देखो एक्स की वैल्यू निकालना पहले ना, तो दोनों में नीचे 2 आएगा, पहले बोले थे। अगर आगे में कोएफिशिएंट में 2 है, दोनों नीचे 2 आएगा। अब 6 × 2 कितना होता है? 12। अब हमको इंटू से 12 भी लाना है और एड और सब्ट्रैक्ट कर 7 भी लाना, तो कितना होगा? कितना होगा? अरे होगा कितना? 6 × 12 4 + 3 7 और 4 × 3 12, तो मेरा 4 होगा और 3 होगा, तो कितना होगा? एक 2 हो गया और ये कितना हो गया? अगर मैं इसकी बात करूं और क्या होगा? मेरा माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, तो दोनों जो वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा? एक्स एक्स प्लस प्लस, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये कितना होगा? 1.5। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? एक्स के पास मेरा वैल्यू है 2 और 1.5। वाई में कोएफिशिएंट है नहीं, तो कुछ करने का जरूरत है। सिंपल आंसर क्या होगा? 2 × 1 2 और प्लस माइनस करके 3 लाना है और इंटू करके 2 लाना है, तो क्या होगा? 2 + 1 3 और 2 × 1 2, तो 2 और 1। अब कंपेयर कैसे करना है? मैंने बताया था ना कंपेयर कैसे करना, सिंपल था। देखो ये एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है ना, और ये हमारे पास लाइन है। अगर एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा क्या है? 2, उससे छोटा क्या है? 1.5, ठीक है ना। और एक वैल्यू क्या है 2 का, और एक वैल्यू 2 का क्या है? वाई का 2 है, और एक क्या है? एक 1 है, यही था ना। अरे यही था ना, तो अब इसका आंसर क्या होगा? आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला था? कोई भी नंबर अगर बीच में आता है, कोई भी नंबर बीच में आता है तो क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड होगा 110%। क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड होगा, ये चीज आप अच्छे से याद कर लो। देखो ये 2 था, ये 1.5, ये 2, ये 1.5, इस दोनों के बीच में एक नंबर तो आ रहा है वैल्यू ना। बीच में कोई भी एक्स का एक वैल्यू या वाई का एक वैल्यू अगर बीच में आता है तो आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। ये लिख लो आप हमसे कि इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो तो पहले का आंसर क्या मिला? पहले का आंसर हमको मिल गया कांट बी CND, ठीक है। अब दूसरा तो और सिंपल है ना, साइन देख लो माइनस प्लस, तो जो आंसर आने वाले वो क्या होंगे? माइनस प्लस का प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का क्या है? माइनस माइनस, सिंपल। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा? वही है तो 2 और 1। टू और वन। और वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का क्या होगा? 6 × 1 6 और 5 लाना है जोड़कर, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? 6 - 1 करेंगे, क्या होगा? 6 - 1 5 और 6 × 1 6, तो 6 - 6 - 1। अब देखिए ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर बड़ा इससे। अगर मैं कंपेयर करूं सिंपल से आपको, देखो तो एक 2 बड़ा है, एक y बड़ा है, और ये दोनों नंबर छोटे हैं -6 - 1, तो दोनों छोटा है इस दोनों नंबर से, तो इसका आंसर क्या होगा? f ग्रेटर देन y, ठीक है ना। और ये हमारा y नहीं होगा, ये क्या होगा? ये हमारा होगा x, ये हमारा x होगा, ठीक है ना। अब देखो थर्ड नंबर क्या बोले, अगर कोएफिशिएंट में 2 है तो 2 होगा, और ये भी कितना होगा? 2, 2 2 जब 4, और लाना क्या है? सब्ट्रैक्ट और ऐड कर 5, तो 5 कैसे आएगा? 4 × 1 4 हो गया, अब 4 + 1 5 भी हो गया, तो मेरा 4 और 1, तो कितना होगा? 2 और ये 0.5, ये x का वैल्यू हो गया। और प्लस प्लस था तो प्लस प्लस का क्या? माइनस माइनस, मतलब दोनों मेरा वैल्यू x का माइनस होगा। और ये y² 9 y² प्लस प्लस, तो दोनों स्क्वायर, दोनों प्लस में साइन, दोनों
जो साइन है वो प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा दोनों वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, सिंपल आप निकाल लो, 5 4 20 और 5 4 9, तो 1 5 1 4। अगर मैं कंपेयर करूं एक्स और वाई को, तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक तो सबसे बड़ा -2 है और उससे जो छोटा है वो 0.5। लेकिन इस दोनों से बड़ा क्या है, -5 -4, दोनों बड़े हैं, तो क्या होगा, अगेन एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है ना, इस चीज को आप अच्छे समझना कंपेयर वाले चीज को। अब देखो लास्ट नंबर कुछ था ही नहीं, माइनस प्लस, तो जो भी आंसर आने वाला है वो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो x का सिंपल हो गया क्या निकलेगा, 10 था तो क्या होगा, 5 × 2 10 और 5 + 2 7, तो 5 तो आएंगे ही आएंगे, एक 2 आएगा। और y का क्या होगा, 35 है तो 7 5 35 7 + 5 12, और माइनस प्लस है तो प्लस प्लस दोनों होगा, तो क्या होगा 7 और 5। ठीक है ना, हाँ अब कंपेयर कर लो आप सिंपल, x का क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, सबसे छोटा 2, और y का क्या है, 7 और 8 5। अब इसका आंसर क्या होगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, कैसे, देखो y तो बड़ा है ही और x के इक्वल है, अब कोई नंबर बीच में नहीं है, किसी के कोई भी नंबर बीच में नहीं है, तो इसको कांट भी डिटरमाइन नहीं बोल सकते। इस चीज को आप समझ जाओ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये लास्ट वाले सम में बहुत सारे बच्चे फंस गए आज, बहुत सारे बच्चे, क्या दिया था x इक्वल टू 0, अरे होगा क्या, इसका आंसर सिंपल है, x इक्वल टू 12 होगा, और y स्क्वायर 144, तो y का क्या होगा प्लस माइनस 12, तो होगा क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब देखो ये x इक्वल टू 12 आया कैसे, ये सोचने वाली बात है, प्लस में देखो अगर मैं इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में तोड़ भी देता हूं ना, सिंपल आप इजली ट्रिक याद रखना कि x इक्वल टू 12 होता है, ठीक है ना, अगर ऐसे दिया हो तो 13 14 कुछ भी दिया हो, अगर मैं तोड़ दूं तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 12 × x × 2 होगा, ठीक है ना, तो 24x होगा, और ये कितना होगा 144 होगा, ये हमारा प्लस, ठीक है ना, तो सिंपल हो गया ना। अब इसको आप तोड़ दोगे तो 24 लाना है, 24 हमारा कैसे आएगा, 24 हमारा ऐसे आएगा, 12 प्लस 12 करेंगे तो 144 होगा, और 12 × 12 भी करेंगे तो 12 × 12 144, 12 प्लस 12 144, तो 12 आएगा दोनों में, x माइनस 12, और दोनों को उधर ले जाएंगे जब उधर, तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 12, ठीक है ना, और इसका y स्क्वायर इक्वल टू 144, तो इसका प्लस माइनस 12 होगा, ठीक है ना, तो देखो ये बड़ा भी है और या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। बहुत इजी थे आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत इजी थे, मैं सीरीज भी करवा दूंगा अभी, ठीक है ना, मैं सीरीज भी करवा दूंगा, DI भी करवा दूंगा, पजल भी करवा दूंगा आज का, ठीक है ना, सो आज के लिए आप लोग का थैंक।